तालिबान 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 पूरे दुनिया में एक नाम है जो इस समय लगातार चर्चे में है, उसका नाम है तालिबान। तालिबान का पास्तो शब्द में अर्थ होता है छात्र, वो छात्र जो पाकिस्तान के मदरसे से निकले और आज पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नाम रोशन करने के पक्ष में मैं कुछ इस कदर हूँ कि आतंकवाद को लेकर, बर्बरता को लेकर इस समय तालिबान पूरी दुनिया में चर्चे का विषय है। नमस्कार, मैं हूँ राणा सिंह और आप देख रहे हैं ATINews.com। तालिबान अफगानिस्तान के इस मामले का जिक्र करते हुए हम ले चलते हैं आपको 90 के दशक में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ से यानी अफगानिस्तान से अपने आर्म्स को वापस बुला रहा था, अपने आर्मी फोर्सेस को वापस बुला रहा था, तो वहाँ एक संगठन का उदय हुआ जिसे तालिबान के नाम से जाना गया। तालिबानियों का विशेषता यह था कि ये अपने शरीयत कानून को लागू कराने वाली एक संस्था थी, जिसका मानना था कि 10 साल से कम बच्चियाँ ही शिक्षा लें, उनका ही बाहर जाना तय रहे, उसके ऊपर के बच्चियों की पढ़ाई न कराई जाए। हमेशा बुरखा प्रथा, दाढ़ी रखना और इन सब चीज़ों को मानना ही तालिबान का मुख्य उद्देश्य था। शरीयत कानून के अनुसार गलत करने वालों का बीच चौराहे पर कत्ल कर देना, सरेआमियों से भून देना, ये सब उनके कानून में था। अफगानिस्तान जो कि तालिबान से हमेशा जूझता रहा था, लेकिन शुरुआती दौर में अफगानिस्तान को तालिबान भी दोस्त की तरह ही लगा था। जिस समय अफगानिस्तान मुजाहिदीन के बर्बरता से परेशान था, उस समय उन्हें तालिबान ही एकमात्र सहारा दिख रहा था। चलिए बात करते हैं भारत, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच के कुछ ऐसे मामलों का जिसे सुनने के बाद शायद आप भी आश्चर्यचकित रह जाएं। अफगानिस्तान के डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो जिनेवा कन्वेंशन में भारत ने आगे बढ़कर ये कहा था कि अफगानिस्तान को समर्थन देना, वहाँ पे विकास करना, ये सब भारत का एक दायित्व है जिसे भारत ईमानदारी से पूरा करेगा। कुछ चीज़ों का जिक्र भी करते हैं, आपको बताते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में लगभग किन किन चीज़ों पर काम किया। सलमा डैम, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है, जिसका भारत ने ही वहाँ पर नींव रखा, जिससे कई ऐसे कामों को आसानी से पूरा किया जाने लगा। साथ में जारंस डेलाराम हाईवे, इस हाईवे को भारत ने ही वहाँ पर बनवाया, जिसके तहत वहाँ के सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सका। पार्लियामेंट तक का जो बात की जाए, यानी पार्लियामेंट, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को भारत ने वहाँ पर बनवाया है, लगभग $90 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पर भारत ने उसे बनाया था, जिसे 2015 में शुरू किया गया, वो भी नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। स्टोर पैलेस जो कि 2016 में भारत ने वहाँ पर बनाया था, प्रेसिडेंट अशरफ घनी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था। पावर इंफ्रा को लेकर भी भारत ने लगातार अफगानिस्तान में काम किया, हेल्थ इंफ्रा पे भी उन्होंने काम किया, कई अस्पताल भारत ने वहाँ पर दिए। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी थे, जैसे कि भारत में सुलभ शौचालय योजना है, सोलर पैनल योजना है, गांव को विकास के लिए भारत लगातार वहाँ पर कार्यरत था। सहतूत डैम के लिए सबसे बड़ी बात थी, सहतूत डैम जो जिस योजना का अक्सर जिक्र होता है, सहतूत डैम वही था, लगभग 2 मिलियन लोगों का पानी का व्यवस्था हो जाता अगर ये डैम कंप्लीट होता। हालांकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, ये कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब आगे की बात करते हैं तालिबान अफगानिस्तान को लेकर। तालिबान की शुरुआती, जैसा मैंने बताया भी कि शुरुआती स्थिति जो थी वो पाकिस्तान से रिलेट करते हुए थी, वहाँ के मदरसे से निकली ये संस्था जो अपने आप को शरीयत कानून मनवाने वाली सबसे बड़ी संस्था मानती है, जिसका कार्य इस्लामीकरण को लेकर है, लेकिन उनमें भी शरीयत कानून को मनवाने जैसा है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का कार्य करती हैं। अक्सर भारत में भी मदरसों से कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं सामने, जैसे मदरसों से आर्म्स का मिलना, विस्फोटक सामग्री का मिलना, ये कहीं भी सही चीज़ों को साबित नहीं करता। कुछ इसी तरीके से अफगान में भी शुरुआत हुई थी, जिसको उस समय की सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका आज खामियाजा पूरा अफगानिस्तान भुगत रहा है।
साथ ही साथ भारत में इस समय अफगानिस्तान और तालिबानी मैटर को लेकर लोग लगातार ट्वीट और पोस्ट करते आ रहे हैं, जिसमें बिना जाने सुने हिंदू मुस्लिम और अन्य कई प्रकार की चीज़ों का बढ़ावा और भ्रामक चीज़ों का फैलाव किया जा रहा है। उसके लिए क्लियरेंस की सरकार का बहुत अच्छा संबंध था, यानी भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। लगभग 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था भारत के सरकार की तरफ से, जहाँ आज की स्थिति में वर्तमान स्थिति में तालिबान ने भारत सरकार से बातचीत में यह कहा है कि वह भारतीयों को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ उलटफेर नज़र आ रहा है, वहाँ की खबरों के अनुसार कई ऐसे भारतीयों को मार दिया गया है जो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क कर रहे थे, यानी कि वहाँ के हाईवे को लेकर काम कर रहे थे, वहाँ के डैम पर काम कर रहे थे, वहाँ पर जितने भी कंपनियां हैं भारतीय उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो उस पर काम कर रहे थे, जो वहाँ के विकास को लेकर कार्य हो रहा था। जब तालिबानियों ने उनको नहीं छोड़ा तो इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि यह वहाँ के भारतीयों के लिए आखिर क्या करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।